हाय, आज हम क्रोनिक पैंकेटाइटिस के साथ इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक पैंकेटाइटिस क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, क्रोनिक पैंकेटाइटिस का क्या इलाज है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और क्या हम क्रोनिक पैंकेटाइटिस को क्योर कर सकते हैं। पहला इशू है क्रोनिक पैंकेटाइटिस क्या होता है। पहले हमें समझना होगा कि पैनक्रियास क्या है। जब हम खाना खाते हैं ये हमारी फूड पाइप से होकर स्टमक में जाता है, उसके बाद ड्यूडनम में एंटर करता है। ड्यूडनम छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा है और यहाँ पर फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टमक और ड्यूडनम के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। यहाँ इस पिक्चर में हम पैनक्रियास को देख सकते हैं। पैनक्रियास के तीन पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। पैनक्रियास में सेल्स होती हैं और छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं और इन लोब्यूल्स के बीच में पैनक्रियास की डक्ट होती है। पैनक्रियास फूड डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स बनाती है और ये एंजाइम्स इस डक्ट के थ्रू ड्यूडनम में एंटर करते हैं। जब हमारा फूड ड्यूडनम में एंटर करता है, सेम टाइम पर पैनक्रियास की सिक्रीशन भी ड्यूडनम में एंटर करती है और उसी टाइम पर लीवर से बाइल भी ड्यूडनम में एंटर करता है। यहाँ हम लीवर की पित्त की नली और पैनक्रियास की नली देख सकते हैं, दोनों ड्यूडनम में इकट्ठे एम्पुला पर खुलती हैं। तो पैनक्रियास का मेन फंक्शन है खाने को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा पैनक्रियास इंसुलिन और कुछ अदर हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसका काम है ब्लड में शुगर और लिपिड के लेवल को कंट्रोल करना। तो अब क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या है। क्रोनिक का मतलब है लंबी ड्यूरेशन, जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये लंबी बीमारियां हैं तो इन्हें हम क्रोनिक बोलते हैं। और पैनक्रियाटाइटिस का मतलब है पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाना, तो क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का मतलब है पैनक्रियाज में लंबे टाइम तक स्वेलिंग आ जाना। और जब पैनक्रियाज में स्वेलिंग लंबे टाइम के लिए आती है तो उसमें पैनक्रियाज की डक्ट फूल जाती है, पैनक्रियाज की डक्ट में स्टोन बन जाते हैं और पैनक्रियास का ओवरऑल साइज कम हो जाता है, इससे निकलने वाले एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की अमाउंट भी कम हो जाती है। सेकेंड इशू है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस क्यों होता है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का सबसे मेन कारण अल्कोहल है। यदि कोई व्यक्ति रोजाना 4 से 5 ड्रिंक अल्कोहल लेता है और 4 से 5 साल के लिए अल्कोहल लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होने की संभावना होती है। दूसरा कारण है अगर ब्लड में कैल्शियम या लिपिड की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे लोगों को भी क्रोनिक पैंकेटाइटिस का रिस्क होता है। और यदि पैनक्रियाज की नली में रुकावट है, इससे भी मरीजों को क्रोनिक पैंकेटाइटिस हो सकता है। यदि एम्पुला पर कोई ट्यूमर है या फिर पैनक्रेटिक हेड में कोई ट्यूमर है, ये क्रोनिक पैंकेटाइटिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है हेरिडिटरी पैंकेटाइटिस। इसमें फैमिली में कई मेम्बर्स को और कई जनरेशन में पैंकेटाइटिस हो सकता है। एक और यूनिक कंडीशन है ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस। ये मोस्टली एल्डरली लोगों में होती है और इसमें पैनक्रियास पूरा फूल जाती है और ये पित्त की नली को दबा देती है, जिससे कि मरीज को पीलिया भी हो सकता है। और एक और कारण है इडियोपैथिक पैनक्रियाटाइटिस। इडियोपैथिक का मतलब है कि कोई वेल डिफाइंड कॉज मालूम नहीं है और ये देखा गया है कि इडियोपैथिक पैनक्रियाटाइटिस का कारण है कि जीन्स के अंदर माइनर चेंजेस होना, जिन्हें हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगला इशू है क्रोनिक पैंकेटाइटिस के सिम्टम्स क्या है। क्रोनिक पैंकेटाइटिस का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है पेन होना। ये पेन पेट में ऊपरी हिस्से में नाभि के ऊपर होता है। ये पेन पीछे कमर के अंदर भी जा सकता है और उल्टा लेटने से या आगे झुक के बैठने से पेन में रिलीफ मिल सकता है। मरीज को या तो कंटिन्यूस पेन हो सकता है या कभी कभी पैनक्रियास के पेन के अटैक आ सकते हैं। क्रोनिक पैंकेटाइटिस के मरीज पेन के कारण खाना कम कर देते हैं, क्योंकि ये देखा गया है जब मरीज खाना खाता है तो ये पेन बढ़ सकता है। तो फूड का इंटेक कम होने से क्रोनिक पैंकेटाइटिस के मरीजों का वेट भी कम हो सकता है। क्रोनिक पैंकेटाइटिस की लेट स्टेज के अंदर एंजाइम्स कम बनते हैं, फूड कम डाइजेस्ट होता है, इससे मरीज को डायरिया होता है। मरीज कंप्लेन करता है कि नॉर्मली दिन में 3 से 4 बार स्टूल आता है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और कई बार स्टूल में ऑयल भी निकल सकता है। और एडवांस क्रोनिक पैंकेटाइटिस में इंसुलिन की अमाउंट भी कम हो जाती है, जिससे मरीज को डायबिटीज हो सकती है, इसे हम पैंक्रियाटिक डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इशू है कि हम क्रोनिक पैंकेटाइटिस को डायग्नोस कैसे करते हैं।
यदि हमें हिस्ट्री टेकिंग में क्रोनिक पैनकेटाइटिस का डाउट होता है, हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। एब्डोमेन एक्सरे में हम पैनक्रेटिक स्टोन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई में हम पैनक्रियास की डक्ट का साइज़ देखते हैं, क्योंकि क्रोनिक पैनकेटाइटिस में इस डक्ट का साइज़ बढ़ जाता है। और साथ में हम पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर के स्टोन और नैरोड एरिया, जिनको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। क्रोनिक पैनकेटाइटिस को डायग्नोस करने का बेस्ट टेस्ट है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये एक एंडोस्कोपी टेस्ट है जिसमें हम मुंह में दूरबीन डालते हैं। इस दूरबीन के अंदर एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है, तो इसका मतलब है कि हम एंडोस्कोप के थ्रू अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं और पैनक्रियाज ग्लैंड को अच्छे से स्टडी करते हैं। हम पैनक्रियाज की पेरेन्काइमा और पैनक्रियाज ग्लैंड की डक्ट को अच्छे से देखते हैं। डक्ट में यदि स्टोन है या नैरोड एरियाज हैं या डक्ट का साइज बढ़ गया है, इन चीज़ों को हम आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज ग्लैंड के अंदर हनीकॉम्बिंग हो जाती है, जो कि क्रोनिक पैनकेटाइटिस के डायग्नोसिस को सजेस्ट करती है। क्रोनिक पैनकेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम स्टूल टेस्ट भी करते हैं। हम स्टूल के अंदर एक पैनक्रेटिक एंजाइम इलास्टेज की अमाउंट देखते हैं। क्रोनिक पैनकेटाइटिस के पेशेंट में स्टूल में इलास्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। अगला इशू है कि हम क्रोनिक पैनकेटाइटिस को ट्रीट कैसे करते हैं। क्रोनिक पैनकेटाइटिस का ट्रीटमेंट पैनक्रियास की डक्ट के साइज पे डिपेंड करता है। नॉर्मली पैनक्रियास की डक्ट 3 mm की होती है। क्रोनिक पैनकेटाइटिस के पेशेंट में इस डक्ट का साइज बढ़ सकता है। यदि डक्ट का साइज 3 से ज़्यादा है, इसे हम डायलेटेड डक्ट बोलते हैं। यदि डक्ट का साइज 3 mm से कम है, इसे हम नॉर्मल डक्ट बोलते हैं। यदि डक्ट डायलेटेड है और साइज 5 mm से ज़्यादा है, ऐसे मरीजों में हम पैनक्रियास की डक्ट के अंदर एक स्टेंट डालने की सलाह देते हैं, जिससे कि पेन के अटैक और पेन की इंटेंसिटी कम हो सकती है। यदि पैनक्रियास की डक्ट में स्टोन है और छोटे स्टोन हैं, इन्हें हम एंडोस्कोपी से निकाल सकते हैं। यदि स्टोन का साइज ज़्यादा है, इसे हम या तो एक पैनक्रियाटोस्कोपी और लिथोट्रिप्सी, जो कि एक स्पेशल टेक्निक है, इसमें हम एंडोस्कोप के थ्रू एक छोटा स्कोप डालते हैं, जिसे हम पैनक्रियाटोस्कोप बोलते हैं। इससे हम पैनक्रियास की डक्ट के स्टोन को देख सकते हैं और उसको लेज़र या ईजल से तोड़ सकते हैं। पैनक्रियास के स्टोन को तोड़ने की एक और टेक्निक है ESWL। इसमें हम बाहर से किरणों के थ्रू पैनक्रियास की डक्ट के स्टोन को तोड़ सकते हैं। यदि पैनक्रियास की डक्ट का साइज कम है, ऐसे मरीजों को हम दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। इन मरीजों में ERCP फायदा नहीं करती है। यदि मरीज को परसिस्टेंट पेन है, तो कुछ मरीजों में हम स्पेशल टेक्निक EVS गाइडेड सीलिक प्लेक्सिस ब्लॉक करते हैं। ये एक एंडोस्कोपिक टेक्निक है। इसमें हम पैनक्रियास की नर्व्स के चारों तरफ स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। क्रोनिक पैनकेटाइटिस के कुछ मरीजों में सर्जरी भी करते हैं। यदि डक्ट में काफ़ी मात्रा में स्टोन भरे हुए हैं, तो ऐसे मरीजों में हम सर्जरी की सलाह देते हैं। इन पेशेंट में पैनक्रियास की डक्ट को छोटी आंत से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। और यदि क्रोनिक पैनकेटाइटिस के मरीज में पैनक्रेटिक हेड में या दूसरे हिस्सों में गांठ बन गई है और ये गांठ पेन का कारण है, इसे भी हम सर्जरी के दौरान निकाल सकते हैं। और कुछ मरीजों में टोटल पैनक्रेटेक्टमी और आइलेट सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। टोटल पैनक्रेटेक्टमी का मतलब है कि पूरी पैनक्रियास को निकाल देते हैं और उसके बाद उसमें से आइलेट सेल, जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और उन्हें मरीज के शरीर में वापस लगा देते हैं। इसे हम आइलेट सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। यदि क्रोनिक पैनकेटाइटिस के पेशेंट्स को डायरिया है, तो ऐसे मरीजों में दवाइयों से डायरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि मरीज को डायबिटीज़ है, तो दवाइयों से या इंजेक्शन से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोनिक पैनकेटाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। क्रोनिक पैनकेटाइटिस की एक यूनिक कॉम्प्लिकेशन है सूडोसिस। इसमें पैनक्रियास के आसपास एक फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है। ये फ्लूइड कलेक्शन या तो पेन करती है या ये ड्यूडनम को कंप्रेस करती है, जिससे कि मरीज को उल्टी आ सकती है, और ये बाइल डक्ट को भी कंप्रेस कर सकती है, जिससे मरीज को पीलिया हो सकता है। सूडोसिस्ट के इलाज के लिए हम सूडोसिस्ट को एंडोस्कोपी से स्टमक के अंदर ड्रेन करते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसे हम EVS गाइडेड सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी बोलते हैं। क्रोनिक पैनकेटाइटिस के पेशेंट में कैंसर का रिस्क भी होता है। ये देखा गया है कि क्रोनिक पैनकेटाइटिस के 4% पेशेंट्स को कैंसर हो सकता है। ऐसे मरीजों में पैनक्रियास के अंदर एक गांठ बन जाती है। इस गांठ की हम सुई जांच करते हैं और यदि ये मैलिग्नेंसी होती है, ऐसे मरीजों को हम सर्जरी की सलाह देते हैं। इसके अलावा स्पेशली अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर पैनक्रियास के हेड के अंदर
एक इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग बन जाती है, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी मास बोलते हैं। कई बार इसको मेलिग्नेंसी से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। इन्फ्लेमेटरी मास के इलाज के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। यदि दवाइयों से मरीज ठीक नहीं होता है तो हम इसकी सर्जरी की सलाह देते हैं। कई बार क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स को पीलिया हो जाता है। इसका कारण होता है कि पित्त की नली का ब्लॉक हो जाना। इसके जो मेन कारण है वो है कि अगर पैंक्रियाटिक ग्लैंड हार्ड हो गई है तो ये पित्त की नली को दबा सकती है। यदि हेड के अंदर मेलिग्नेंसी है या इन्फ्लेमेटरी मास है, ये भी पित्त की नली को दबा सकता है। और यदि सूडोसिस्ट है, ये भी पित्त की नली को दबा सकती है। इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए हम ERCP करते हैं। ERCP में हम पित्त की नली में स्टेंट डालते हैं और इसके साथ हम इन्फ्लेमेटरी मास या मेलिग्नेंसी या सूडोसिस्ट इनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कुछ पेशेंट्स को उल्टियाँ लग जाती हैं। इसका कारण होता है ड्यूओडेनम में कंप्रेशन होना। इसका कारण है सूडोसिस्ट, इन्फ्लेमेटरी मास, मेलिग्नेंसी या फिर पैंक्रियाज का ड्यूओडेनम के ऊपर कंप्रेशन होना। इन सबसे मरीज को उल्टियाँ लग जाती हैं। इनको भी हम दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें इसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकती है। इसके जो दो मेन कारण है वो है पोर्टल वेन या स्प्लेनिक वेन का थ्रोम्बोसिस होना, जिससे कि हमारी फूड पाइप या स्टमक के अंदर वेरिक्स बन जाते हैं। इसको हम आराम से एंडोस्कोपी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पेनक्रियास के ऊपर एक स्प्लेनिक आर्टरी होती है। कई बार उस आर्टरी का एनिरुजम बन जाता है, जिससे भी मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है। एनिरुजम के ट्रीटमेंट के लिए हम मरीज की एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के लिए पैर से एक कैथेटर डालते हैं और एनिरिज्म को ब्लॉक करते हैं। लास्ट इशू है, क्या हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस को क्योर कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का क्या कारण है। यदि हम इस कारण को रिवर्स कर सकते हैं तो हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं और कुछ केस में पेशेंट क्योर भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर मरीज अल्कोहल बंद करता है, हम कैल्शियम और लिपिड को कंट्रोल करते हैं और ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस को हम स्टेरॉइड से ठीक कर सकते हैं, तो इन कंडीशन में हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ मरीजों में हम क्योर भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ इडियोपैथिक पैंक्रियाटाइटिस एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है। इसको हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं पर इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। यदि किसी को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है।